Since we have been looking into all the aspects of record keeping, and another important aspect is diversity of record keeping. Diversity means that there could be the different ways in which we can keep the record. For instance, there could be electronic records. Electronic records, like paper records, should be created and maintained in a way that is designed to protect its security, integrity, confidentiality, and appropriate access. एज वेल एज देयर कम्पलाइंस विद द एप्लीकेबल लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिर्फ वो रिकॉर्ड्स नहीं है जो सिर्फ कंप्यूटर पर हमने टाइप कर दिए और एक डाटा जो था वो हमने एक फाइल में एक्सल में एस पी एस एस में या वर्ड में डाल दिया रादर दैन उसको हमने एक प्रॉपर तरीके से कैसे set, uh, set करना है उसको कैसे लेबल करना है उसको हमने किस तरीके से रीएक्सेस करना है और सिस्टम में उसको हमने कहाँ पर प्लेस करना है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें उस सिचुएशन में फ़ुलफिल करनी होगी क्योंकि पेपर रिकॉर्ड्स तो हम फाइल्स में पाइल uh, अप करते जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए जब उसे हमने रिट्रीव करना है तो हमारे पास क्या ऐसी बेस लाइन या क्या ऐसी डायरेक्टरी होगी जिससे हम उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकें वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है Ease of creating, transmitting and sharing electronic records may expose psychologists to risk of unintended disclosure of confidential information. We all know that this is a time of the cyber age. यहाँ पर किसी भी वक्त कोई साइबर अटैक हो सकता है कोई सिस्टम हैक हो सकता है कुछ फाइल्स जो हैं वो एक्सीडेंटली डिलीट हो सकती हैं कुछ फाइल्स एक्सीडेंटली जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं है, है किसी और जगह के ऊपर या उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक एरर आ सकता है कोई वायरस आ सकता है जिसकी वजह से वो ओपन ना हो सकें तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एट टाइम्स पे हम महसूस करते हैं कि वो एक उनके लिए एक थ्रेट भी बन जाते हैं देन रिकॉर्ड कीपिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स नाउ इन ऑर्गेनाइजेशन वे वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा वी हैव टू एग्जीक्यूट डिफरेंट फंक्शन और हमें उन सब को साइमटेनियसली ट्रैक करना है उनको रिकॉर्ड करना है वहाँ पर हम इन इस डेटा की सेटिंग कैसे करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में प्रेजेंट यूनिक इन रिकॉर्ड कीपिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स में डिफर सब्सटेंशनली फ्रॉम प्रोसीजर्स इन अदर सेटिंग्स। एक छोटा सा क्लिनिक है वहाँ पर एक दिन में मैक्सिमम थ्री टू सिक्स क्लाइंट्स आते हैं और उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड एक सिस्टम में मैंटेन रखा हुआ है डेट कुड भी ईजिली मेटेन एंड अंडरस्टैंड बट इफ देर इज अ बिग हॉस्पिटल जिसकी बहुत सारी मल्टीपल चेन्स हैं और वहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स हैं जहाँ पे लोग साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक हेल्प के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट uh, जो है वो लेवल के जूनियर सीनियर थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स एंड सकेट्रिस्ट रखे हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा प्रॉबेबली दे नीड टू हैव अ बिगर सिस्टम देन हैविंग अ स्मॉल यूनिट और फिर वो एक उनका वन लाइन सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू वो डाटा को uh, जो है वो एक्सेस कर सके psychologists working in organizational settings, for example, hospitals, schools, community agencies, prisons, strive to follow the record-keeping policies and procedures of the organization as well as apa ethics code. now, in those situations, we are not only bound to follow the apa code of ethics, but we are also interested that how that specific organization has developed their own codes, so we have to follow that as well. लाइक like, अगर किसी हॉस्पिटल का सिस्टम है वो एक सिस्टम फॉलो कर रहा है हमें उसे देखना पड़ेगा जैसे अगर एक यूनिवर्सिटी या स्कूल है वो कोई एल में ही कोई पोर्टल बनाकर उसके अंदर वो अपने प्रॉब्लमेटिक uh, बच्चों का कोई डाटा फिक्स कर रही है तो हमें उसको देखना पड़ेगा इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी सिस्टम या ऑनलाइन सर्विस यूज़ कर रही है हमें उसके साथ भी अपने रैकर्ड को अलाइन रखना पड़ेगा रिकॉर्ड्स ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग इज़ नॉट ऑलवेज क्लियरली डिफाइंड दैट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्स ए पी ए ने तो अपना कोड ऑफ एथिक्स दे दिया लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना कोड ऑफ एथिक्स फुलिसप नहीं करती या वो एटलीस्ट ये नहीं कहती कि वी चार्टर द कोड ऑफ एथिक्स विच इज बिंग प्रोवाइडेड बाई द ए पी ए फुली तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के कॉन्फ्लिक्टो अराइज हो सकते हैं नाओ टॉकउ द मल्टीपल क्लाइंट रिकॉर्ड्स मल्टीपल क्लाइंट रिकॉर्ड होते क्या है जब एक फैमिली के बहुत सारे लोग एक ही psychiatrist, एक ही सर्विस लेने के लिए जा रहे होते हैं उन सब के बायोडाटा उन सब के फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं उस एक इंडिविजुअल के पास ना इट्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोलॉजि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स बिकॉज दे आर कंडक्टिंग इंटरव्यूज से मल्टीपल पीपल

सो हेयर दिकेन शुड बी डन इन अ वेरी केयरफुल मैनर कि अगर एक इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ जिसमें जिस जो विक्टमाइज हुआ फैमिली में उसने आकर कंप्लेन की और जो विक्टम था बेसिकली उसका बिहेवियर हम असेस कर रहे हैं तो हमने ये रिकॉर्ड किस पार्टी के जो है वो रिकॉर्ड में लिखना होगा कि उसकी तरफ से ये प्रॉब्लम जो है वो रिपोर्ट हुई है तो इन दो सनारी शुड भी डन इन अ वेरी केयरफुल मैनर एंड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग द वन क्लाइट Which is going to compromise the confidentiality of the other client should be very carefully waged. Take hame confidentiality ka koi ethical issue face nakar